नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। कैंडलस्टिक एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट कैंडल डायरेक्शन, हम नेक्स्ट कैंडल का डायरेक्शन किधर जाएगा वो प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर एक मैंने बुलिंजर बैंड यहाँ पर दिखाया है 20 पीरियड का। बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलिंजर बैंड होता है वो एड करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें ये लोअर पर हम बाई करेंगे, अप का सिग्नल लेंगे। लोअर लाइन पर अगर सिग्नल बनता है तो कंडीशन मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, और अपर बैंड जो होता है वहाँ पर अगर हमें सिग्नल मिलता है तो हम डाउन का सेल का सिग्नल लेंगे। बुलिंजर बैंड्स में तीन लाइंस होते हैं, एक लोअर बुलिंजर बैंड हुआ, एक अपर बुलिंजर बैंड हुआ, और बीच में जो रहता है वो मूविंग एवरेज रहता है। तो हमें ये बीच वाला लाइन को इग्नोर करना है, इसे नहीं देखना है। बस लोअर बुलिंजर बैंड पर सिग्नल बनता है तो आपका सिग्नल लेने के लिए सर्च करना है सिग्नल्स को, और अपर बैंड पर अगर सिग्नल बनता है तो डाउन के लिए हमें सिग्नल लेना है। वो कैसे लेना है, हमें देखना है ये लोअर बुलिंजर बैंड पर चार कैंडलस्टिक चाहिए जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये देखिए रेड है, ये क्लोज नीचे हुआ, और ये ग्रीन ओपन हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। यहाँ पर रेड ओपन हुआ, नीचे आकर क्लोजिंग दिया, उसके बाद लास्ट कैंडल ग्रीन होगा जो इसको एंगल्फ करेगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, बुलिश एंगल्फिन बनेगा। वो ओपन होने के बाद ऊपर क्लोजिंग होगा, रेड के थोड़ा सा ऊपर होगा। और ये चारों कैंडल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, रेड का क्लोजिंग प्राइस देखिए, ग्रीन का ओपनिंग प्राइस देखिए, रेड का क्लोजिंग प्राइस देखिए, ग्रीन का ओपनिंग प्राइस देखिए। यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं तो चारों ऑलमोस्ट सेम जगह पर ओपनिंग और क्लोजिंग हुआ है, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, ये लोअर बुलिंजर बैंड से एटलीस्ट तीन कैंडल्स का लेग्स रिजेक्ट होना चाहिए, चार होता है तो और अच्छा है। तो हमें बाई सिग्नल के लिए आपके लिए चार कैंडल्स में मिनिमम तीन कैंडल्स का लेग जो है ये लोअर बैंड से रिजेक्ट होना चाहिए या लोअर बैंड को टच करना चाहिए। ये कैंडल्स थोड़ा नीचे बनते हैं, बैंड के थोड़ा नीचे बनते हैं तो भी ठीक है, तीन कैंडल्स जो है लोअर बैंड को टच करना चाहिए, लेग्स हो बॉडी हो टच करना चाहिए। और यहाँ पर ये चारों कैंडल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर होना चाहिए, ये बाई के लिए, अप के लिए। डाउन के लिए, सेल के लिए ठीक इसका ऑपोजिट, कैंडल्स ऊपर जाने के बाद ये अपर बुलिंजर बैंड से चार कैंडल्स बैंड को टच करके रिजेक्ट होना चाहिए या तीन कैंडल्स का लेग जो है बैंड को टच करना चाहिए, और उसमें लास्ट वाला जो कैंडल होगा वो बेरिश एंगलफिन एवरेज बनना चाहिए। और बेरिश एंगलफिन बनने के बाद हम डाउन का सिग्नल लेंगे, लेकिन ये चारों कैंडल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऑलमोस्ट सेम जगह पर होना चाहिए। तो अब हम लाइव ट्रेड करके देखते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर सिग्नल बन सकता है क्योंकि यहाँ पर चार कैंडल्स जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही जगह पर है और चारों ने बुलिंजर बैंड को टच किया है। तो हम दो मिनट के लिए यहाँ डाउन का सिग्नल लेंगे, कैंडल थोड़ा बड़ा बना है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो हम दो मिनट के लिए डाउन का सिग्नल लेते हैं। ये यहाँ पर हमने दो मिनट के लिए डाउन का सिग्नल लिया, अब देखते हैं, वेट करते हैं रिजल्ट कैसा मिलता है। ये ट्रेड हमने विन किया, ये कैंडल थोड़ा बड़ा होने के कारण हमने यहाँ पर लिया। अगर ये एवरेज बुलिश एंगलफिन होता तो हम, बेरिश एंगलफिन होता तो हम यहीं ट्रेड लगाते। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट सिग्नल था। क्यों था, यहाँ पर ये हमें चार कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम जगह पर होना है, बिल्कुल था। और आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस भी मिला था जिसके कारण अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये था एक सेल सिग्नल। अब हम एक बाई सिग्नल परफेक्ट बनता है तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर अप का सिग्नल बन सकता है क्योंकि ये बुलिश एंगलफिन बन रहा है, अगर थोड़ा नीचे आता है तो हम यहाँ दो मिनट्स के लिए अप का सिग्नल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन कैंडल्स का लो ने इस बुलिंजर बैंड के लोअर लाइन को टच किया है, और ये तीनों का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम जगह पर है। ये थोड़ा सा बड़ा बना, थोड़ा सा यहाँ तक आता है तो हम दो मिनट के लिए अप करने के लिए हम यहाँ रेडी होते हैं। हमें कैंडल एवरेज चाहिए
यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होने के कारण हम थोड़ा सा पुल बैक पर लेंगे और ये पुल बैक आ सकता है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जैसा है तो यहाँ तक आता है, तो हम 2 मिनट के लिए आपका सिग्नल लेंगे, जल्दी आता है तो। ये नहीं आया, ये सिग्नल छूट गया। इसी तरह से हमें अप का सिग्नल लेना है। अब 2 मिनट के लिए इससे क्लोजिंग ये ऊपर देगा क्योंकि यहाँ पर ये चारों कैंडल्स जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम जगह पर है और चार कैंडल्स में एटलीस्ट हमें मिनिमम तीन कैंडल्स का जो लो है उसको ये बुलिंजर बैंड को रेस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही किया था। तो इस तरह से हम अप और डाउन का सिग्नल आज का ये स्ट्रैटेजी पर ले सकते हैं और इसमें आपको सिग्नल्स कम मिलेंगे, आपको पेशेंस रखना है, जहाँ परफेक्ट सिग्नल मिलेंगे वहीं पर ट्रेड लगाना है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।